हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फुल एडर। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ फुल एडर। हाफ एडर इज नॉट इफेक्टिव फॉर एडिंग मोर देन टू डिजिट्स। इन सच केस वी यूज ए फुल एडर। वी यूज द थर्ड बिट विच इज द प्रीवियस कैरी बिट। सो वी यूज थ्री इनपुट सिंबल आर एक्स कॉमा वाई विद ए प्रीवियस कैरी जेड एंड टू आउटपुट्स कॉल्ड सम एंड कैरी। सम रिप्रेजेंट एज एस एंड कैरी रिप्रेजेंट एज सी। सो फ्रेंड्स, चलिए इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। थ्री इनपुट बोले हैं तो एक्स वाई जेड थ्री इनपुट है। थ्री इनपुट के लिए कितना कॉम्बिनेशन होगा? थ्री इनपुट के लिए टोटल आठ कॉम्बिनेशन, क्योंकि टू टू द पावर थ्री मीन्स एट, इसलिए टोटल आठ कॉम्बिनेशन होगा। तो चलिए बीट लिख लेते हैं। जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो एंड वन वन वन, ए थ्री बीट कॉम्बिनेशन। अभी इसका जो आउटपुट है, एक है सम एंड दूसरा है कैरी। तो एक है सम एंड दूसरा है कैरी, ठीक है ना, ये आउटपुट है। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो मीन्स कितना? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो मीन्स सम जीरो, यहां पर कुछ कैरी नहीं है इसलिए कैरी भी जीरो, ठीक है। यहां पर जीरो प्लस जीरो प्लस वन मीन्स कितना? जीरो प्लस जीरो प्लस वन मीन्स सम वन, कैरी नहीं है इसलिए कैरी जीरो। जीरो प्लस वन प्लस जीरो मीन्स कितना? जीरो प्लस वन प्लस जीरो मीन्स कितना? सम वन, सम वन, कुछ भी कैरी नहीं है इसलिए कैरी जीरो। यहां पर जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन मीन्स कितना? वन, फिर एक वन है, फिर इसके साथ अगर वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टू। टू को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? वन एंड जीरो। तो ये जो जीरो है ये हो जाएगा सम, और ये जो वन है ये हो जाएगा कैरी। फिर वन प्लस जीरो मीन्स कितना? वन मीन्स सम वन, यहां पर कुछ भी कैरी नहीं है इसलिए कैरी जीरो। वन प्लस जीरो मीन्स कितना? वन प्लस जीरो मीन्स वन, फिर ये क्या है? वन है, तो इसके साथ अगर वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टू। टू को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? वन जीरो, तो जीरो हो गया सम एंड वन हो गया कैरी इसका। वन प्लस वन मीन्स कितना? वन प्लस वन मीन्स टू, टू मीन्स है वन जीरो, फिर यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना। तो इसके साथ अगर जीरो ऐड कर देंगे तो जीरो और ए वन एज इट इज उतर जाएगा, तो फिर से जीरो सम वन कैरी, ठीक है ना। फिर वन प्लस वन प्लस वन मीन्स कितना? थ्री। थ्री को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? देखो वन प्लस वन प्लस वन मीन्स है थ्री। थ्री को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? वन वन करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? वन सम एंड वन कैरी, वन कैरी। ये तो हो गया फुल एडर का ट्रुथ टेबल। अभी इसका के मैप प्लॉट करेंगे। एक बार सम के लिए के मैप प्लॉट होगा, एक बार कैरी के लिए के मैप प्लॉट होगा। क्योंकि थ्री वेरिएबल है इसलिए थ्री वेरिएबल के लिए के मैप प्लॉट होगा। अगर थ्री वेरिएबल के लिए के मैप प्लॉट होगा तो कितना सेल बनेगा? टू टू द पावर थ्री, ठीक है ना। तो टू टू द पावर थ्री मीन्स कितना? एट। आठ, टोटल आठ सेल बनेगा। तो पहले बना लेते हैं कि एस के लिए, ये मेरा एस है, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई जेड है। दो रो, एक दो, दो रो चार कॉलम, एक दो तीन चार, चार कॉलम। ए जीरो जीरो है, ए जीरो वन है, ए वन जीरो है, ए वन वन है, ए जीरो है, ए वन है, ठीक है। ए जीरो नंबर लोकेशन, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ठीक है।
मैप को हम एसओपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एसओपी में अगर हम लोग करेंगे तो किसको लेके ग्रुपिंग होगा, वन को लेके ग्रुपिंग होगा। तो 001 पोजीशंस में मेरा क्या है, वन है। तो 001 नंबर पोजीशन ए वाला पोजीशन है, ए वाला पोजीशन मींस ए वाला सेल है, तो यहाँ पर हम वन बैठा देंगे। फिर 010 में वन है, 010 मींस ए वाला सेल, यहाँ पर वन बैठा देंगे। फिर 100 में वन है, 100 मींस ए वाला सेल, यहाँ पर वन बैठा देंगे। फिर है 111 मींस ए वाला सेल, यहाँ पर हम वन बैठा देंगे। अब इसको ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, टू की पावर के हिसाब से ग्रुपिंग होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सब सिंगल ग्रुपिंग होगा और कुछ चांस नहीं है, इसीलिए सिंगल ग्रुपिंग होगा। तो हम देख लेते हैं कि ए सिकल टू कितना है, ए सिकल टू क्या होगा। देख लो, ए जो वन है, ए कौन, इसका पोजिशंस क्या है, 001 है, और हम लोग एसओपी में कर रहे हैं, तो जीरो का मींस कंप्लीमेंट, इसीलिए एक्स बार वाई बार जेड प्लस, ये वाला वन किस लोकेशंस में है, 010 में, इसीलिए होगा एक्स बार वाई जेड बार। ये वाला वन कहाँ पर है, 100 में, इसीलिए क्या होगा, एक्स वाई बार जेड बार प्लस। ए वाला वन किस लोकेशंस पे है, 111 लोकेशन में है, इसलिए क्या होगा, एक्स वाई जेड। तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, क्यों बोलेंगे वो देखते हैं। तो इस एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करेंगे, क्यों इस एक्सप्रेशंस को हम लिखे एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, चलिए देख लेते हैं। ए इक्वल टू एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख ही सकते हैं। एक्स एक्स और वाई का मतलब है एक्स और का फॉर्मूला, मतलब एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ठीक है। फिर ये जो एक्स और जेड एज इट इज हम लिखते हैं, ये एक्स और का फॉर्मूला है। अभी क्या करेंगे, अभी सपोज मान लेते हैं लेट ए पी है और ए जेड है, एज इट इज जेड, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स और जेड, मीन्स फिर से एक्स एक्स और वाई का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा, पी जेड बार प्लस पी बार जेड, ठीक है ना। तो ये जो p है इसमें a वाला वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। p इक्वल्स टू था x y बार प्लस x बार y, तो p में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x y बार प्लस x बार y इंटू z बार प्लस p है, p मतलब ये वाला x y बार प्लस x बार y, फिर इसका बार p का बार है, मीन्स इस पूरा का कंप्लीमेंट है, फिर इंटू g, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट x होगा, फिर y बार, फिर z बार प्लस, फिर x बार होगा, फिर y, फिर z बार, फिर प्लस। अभी देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये डी मॉर्गन्स का एक लॉ है, लॉ क्या है, ए प्लस बी टर बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, ये डी मॉर्गन्स का एक लॉ है, ठीक है। तो सपोज ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म एक्स इंटू वाई कंप्लीमेंट, इस पूरे को हम पकड़ ले रहे ए प्लस इस पूरे को हम पकड़ ले रहे हैं बी, तो क्या बन गया, ए प्लस बी तार होल बार मीन्स ए बार डॉट बी बार, तो क्या होगा, इस पूरे को हम ए पकड़ लिए हैं, तब एक्स वाई बार उसका बार इनटू एक्स बार वाई तो है ही, लेकिन इसका और एक बार लगने का, मतलब ए वाला बार इसका बार, तो ये हाँ ये एक्सप्रेशन को हम डी मॉर्गन्स लॉ में तोड़ लिए इनटू
जेड एज इट इज बैठ जाएगा। इसको एज इट इज बैठा दिए, फिर देखो ये भी और एक डी मॉर्गन्स का लॉ है, सेकेंड लॉ, ठीक है ना। ये लॉ क्या है, ए इंटू बी तार बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। देखो अगर इस एक्स को हम ए पकड़ लेंगे और ये वाई बार को अगर बी पकड़ लेंगे तो ए डॉट बी तार होल बार का फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं, तब क्या होगा, एक्स बार प्लस वाई बार उसका बार एक फॉर्म हुआ इनटू। फिर देखो अगर इस एक्स बार को हम ए पकड़ लेंगे एंड वाई को अगर बी पकड़ लेंगे तो ए डॉट बी तर होल बार का फॉर्मूला फिर से, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार उसका बार प्लस वाई बार फिर इनटू जेड इक्वल्स टू। इसको एज इट इज उतार लिए। अभी देखो हम लोग करके ही आए हैं पहले वाले वीडियो में, अगर डबल बार हुआ, सपोज ए डबल बार का मतलब है वो हो जाता है सिर्फ ए, ठीक है ना। ये बूलियन एलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार प्लस वाई इंटू, एक्स का भी डबल बार है तो एक्स प्लस वाई बार, ठीक है ना, फिर ये जेड इंटू जेड। इसको एज इट इज बैठा दिए। अभी क्या करेंगे, इस जो तो एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे होगा, एक्स बार इंटू एक्स प्लस एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई बार, फिर इसके साथ जेड इंटू है। इसको एज इट इज उतार दिए। बूलियन एल्जेब्रा में एक्स डॉट एक्स बार का मतलब है जीरो, एक्स डॉट एक्स बार का मतलब है जीरो बूलियन एल्जेब्रा में। तो यहाँ पर ए हो जाएगा जीरो एंड ए भी हो जाएगा जीरो, तो ये दोनों एक्सप्रेशन बचा है, इसको उतार लेंगे एज इट इज एक्स वाई, इसके साथ जेड इंटू है तो जेड इंटू हो जाएगा, फिर इसको एज इट इज लिख लेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड। अभी चलो हम लोग देखते हैं ये जो ऑपरेशंस हुआ है और ये जो ऑपरेशंस पहले था ये दोनों सेम है, एक्स बार वाई बार जेड, देखो एक्स बार वाई बार जेड ए वाला, एक्स बार वाई जेड बार, एक्स बार वाई जेड बार ये भी सही है, एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार ये भी सही है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो ये भी सही है। तो हम बोल ही सकते हैं ये जो ऑपरेशन है या फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये है एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, ये तो एस के लिए था। अभी हम लोग सी के लिए फाइंड आउट करेंगे के मैप, तो के मैप हम प्लॉट करते हैं सी के लिए, क्योंकि थ्री इनपुट है इसलिए थ्री वेरिएबल्स के लिए के मैप प्लॉट होगा। तो कितना सेल होगा, टोटल एट सेल, टू टू बाय थ्री मीन्स एट, एक दो तीन चार, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और ये है सी, ये जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ए जीरो वन है, ठीक है, ए जीरो एट लोकेशन, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन। कहाँ कहाँ पर वन है वो देख लेंगे, जीरो वन वन लोकेशन में वन है वहाँ पर वन बैठाएंगे, तो जीरो वन वन लोकेशन कौन सा, ये वाला लोकेशन, यहाँ पर हम लोग वन बैठा देंगे। फिर है वन जीरो वन लोकेशन में वन है, वन जीरो वन लोकेशंस में वन है, तो वन जीरो वन कौन सा वाला लोकेशंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए वाला लोकेशंस को, तो यहाँ पर वन बैठा देंगे। फिर है वन वन जीरो में वन है, तो वन वन जीरो नंबर लोकेशंस कौन सा वाला है, ए वाला लोकेशंस, तो यहाँ पर हम वन बैठा देंगे। फिर है वन वन वन
में वन है, तो वन 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 वाला लोकेशन कौन सा, ये वाला लोकेशन, तो यहाँ पर वन बैठा देंगे। अभी इसका ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप कैसे होगा, इस दोनों को लेकर एक ग्रुप, फिर इस दोनों को लेकर एक ग्रुप, फिर इस दोनों को लेकर और एक ग्रुप, टोटल थ्री ग्रुप होगा। तो चलो देख लेते हैं सी इक्वल्स टू कितना, टोटल तीनों ग्रुप हैं तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं एज इट इज। इस दोनों को लेकर एक ग्रुप बना तो ये क्या होगा, एक्स वाई जेड, इस दोनों को लेकर एक ग्रुपिंग हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, वन जीरो वन में ए वाला वन है, फिर वन 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 में ए वाला वन है, एक कट जाएगा, तो एक्स एंड जेड एक मिल चुका, एक्स जेड प्लस। फिर इस दोनों को लेकर और एक ग्रुपिंग बना, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो ए वाला वन किस लोकेशन पे है, वन 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 लोकेशन पे, ए वाला वन है वन वन जीरो लोकेशन, एक कट जाएगा, फिर हो जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई प्लस। इस दोनों को लेकर और एक ग्रुपिंग बना तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, जीरो वन वन लोकेशन में ए वाला वन है और ए जो वन है वन 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 लोकेशन में ए वाला वन है, तो क्या हो जाएगा वाई जेड, तो हो गया वाई जेड। ए है सी का एक्सप्रेशंस, मीन्स कैरी का एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। थ्री इनपुट है इसीलिए थ्री सर्किट प्लॉट होगा, एक्स वाई जेड। अभी इक्वेशंस क्या क्या है, साम के लिए है एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, फिर ए वाई, ये जो हम कर रहे हैं ना ये ओवरलैप है, ठीक है ना, वाई, फिर ए जेड। इस तीनों के बीच क्या है, एक्स और का सिंबल है, तो एक्स और देखने में किस प्रकार का है, ऐसा। तो ए हो गया एस इक्वल टू एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, ठीक है ना। अभी क्या होगा सी के लिए, सी के लिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्स जेड, एक्स, ए एक्स है और ए जेड है। इस दोनों के बीच कौन सा वाला गेट है, इस दोनों के बीच गेट है एंड गेट, इसलिए एंड होगा। फिर है एक्स वाई, फिर है एक्स, ए वाला एक्स है और ए वाला वाई है। इस दोनों के बीच कौन सा वाला गेट है, एंड गेट, इसलिए एंड होगा। फिर ये है वाई जेड, ए है वाई और ए है जेड। इस दोनों के बीच कौन सा वाला गेट है, एंड गेट है, इसलिए एंड सिंबल होगा। और इस तीनों के बीच कौन सा वाला गेट है, और गेट है, इसीलिए और सिंबल होगा। मीन्स इस तीनों लाइन कनेक्ट हो जाएगा और गेट से, और को देखने में ऐसा इस प्रकार का है और गेट का सिंबल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, क्योंकि ये फुल एडर है इसीलिए ये फुल एडर, ठीक है ना। इसका तीन इनपुट एक्स वाई जेड, दो आउटपुट, एक है सम, दूसरा है कैरी, ये इसका ब्लॉक डायग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है, थैंक यू फ्रेंड्स।